हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIS एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू में अगर आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्कूल बोर्ड्स हैं और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे अगर आप पास आउट हैं तो इग्नू आपको एडमिशन नहीं देगी, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लिस्ट आपको दिखाता हूँ, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इग्नू ने बहुत पहले एक लिस्ट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स नाम से एक ऑफिशियल PDF फाइल इश्यू की हुई है और इसमें 116 ऐसे स्कूल बोर्ड्स के नाम है, आप देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, आप देख सकते हैं मुरादाबाद UP, इस तरह ये 116 ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि फेक हैं और इग्नू इनके द्वारा किए गए एडमिशन को अपने इग्नू में एडमिशन के लिए रिकग्नाइज नहीं करती है इनकी क्वालिफिकेशन को। इसके अलावा इस लिस्ट में कुछ बोर्ड्स हैं जिन पर डबल स्टार लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्टार। तो डबल स्टार का मतलब है कि कोर्ट मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस है, मतलब कोर्ट में अभी मैटर पेंडिंग है, इस पर डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो लिस्ट आपके सामने है, इसमें 116 ऐसे स्कूल बोर्ड हैं, इनसे अगर आप पास आउट हैं तो इग्नू में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी UGC ने जारी की है, तो UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसकी PDF फाइल का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उन यूनिवर्सिटीज से भी आप पास आउट हैं तो भी आपका एडमिशन इग्नू में नहीं होगा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं इग्नू की तर्ज पर ही, इग्नू के जो लिस्ट है उसके बेस पर ही अभी जो मिनिस्ट्री है वो भी प्लान कर रही है कि एक फेक बोर्ड का लिस्ट जारी करे। तो इग्नू के जो 116 अनरिकग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। न्यूज़ में आप द प्रिंट की न्यूज़ में देख सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स, जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप रिफर कर सकते हैं। आज की स्टूडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इग्नू के नए अपडेट के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।